बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारा बारो अस्सलामु अलैकुम। मां तवांजी सिंधी जी टीचर सगीर फातिमा आहियां। प्यारा बारो मां छियों क्लास में उहां सभिनी खे बरीकार कयां थो। उम्मीद आहे त तव्हां पंहिंजे घरनि में खैरियत सां हूंदा। बारो तव्हां स्क्रीन ते सिंधी जी किताब ॾिसी रहियो आहियो। अॼु असीं नज़म ख़ुदा जी वॾाई पढ़ंदासीं। हिन नज़म जे शाइर जो नालो शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई आहे। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई सिंधी ज़बान जो तमामु वॾो शाइर थी गुज़रियो आहे। शाह साहब 1102 हिजरी में जाओ हो। संदसि पीउ जो नालो सैयद हबीब शाह हो। संदसि शोहरत जो वॾो सबबु संदसि शाइरी आहे ऐं हू हिकु सूफ़ी बुज़ुर्ग बि हो। संदसि कलाम जी किताब शाह जो रिसालो सिंधी ॿोली जो हिकु अहम दस्तावेज़ आहे। शाह साहब 1165 हिजरी में वफ़ात कई। संदसि मकबरो भिट शाह में आहे। प्यारे बच्चो, नज़म ख़ुदा जी वॾाई के शायर शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई सन 1102 हिजरी में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम सैयद हबीब शाह था। आपकी शायरी का, आपकी शोहरत का बड़ा सबब आपकी शायरी है। इसके अलावा आप एक अजीम सूफ़ी दरवेश भी थे। शाह साहब की कलाम की किताब शाह का रिसाला सिंधी ज़बान की एक अहम दस्तावेज़ है। शाह साहब ने 1165 हिजरी में वफ़ात की और उनका मकबरा भिट शाह में है। हम जे माने आहे सारा। हम अहिड़ी नज़म आहे जिन्हनि में अल्लाह ताला जी वॾाई, उन जी नेमतनि जो ज़िक्र ऐं शुक्र कयल हूंदो आहे। हम के लफ़्ज़ी माने हैं तारीफ़ करना। हम उस नज़म को कहते हैं जिस नज़म में अल्लाह ताला की अज़मत बयान की गई हो, उसकी नेमतों का ज़िक्र किया जाए और अल्लाह की दी हुई नेमतों पर उसका शुक्र अदा किया जाए। चलें अब हम अपनी नज़म स्टार्ट करते हैं। खुदा जी वडाई। अव्वल अला अलीम आला आलम जो धणी, कादिर पंहिंजी कुदरत सां क़ाइम आहे क़दीम। वाली वाहिद वहदहु राज़िक रब रहीम। सो सारा सचो धणी चे हमद हकीम। करे पाण करीम जोड़ू जोड़ जहां जे। पहला सबक, खुदा जी वडाई, खुदा की अजमत, खुदा की बड़ाई। अव्वल अला अलीम आला आलम जो धणी। अल्लाह अव्वल है, अलीम है, बड़ा है और इस जहां का मालिक है। अव्वल सबसे पहला, अलीम जानने वाला, आला सबसे बड़ा। यानी अल्लाह ताला सबसे अव्वल है, सबसे बड़ा और सब कुछ जानने वाला और इस जहां का मालिक। कादिर पंहिंजी कुदरत सां क़ाइम आहे क़दीम। अपनी कुदरत से मुद्दतों से कायमो दाइम है। अल्लाह ताला कादिर है, हर चीज़ पर कुदरत रखता है और अपनी कुदरत से वो हर कायमो दाइम है। जब कुछ ना था तब भी अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद थी और जब कुछ ना रहेगा तब भी अल्लाह ताला की ज़ात
मौजूद होगी। वाली वाहिद वहदहु राज़िक रब रहीम, वो अकेला मालिक है, वहदहु ला शरीक है, वो रिस्क देने वाला रहीम रब है, यानी अल्लाह ताला वो वाहिद हस्ती है जो जिसका कोई शरीक नहीं, वो हमें रिस्क देता है और वो एक रहम करने वाला मेहरबान रब है। सो सारा सच्चो धनी चे हम्द हकीम, वो सच्चा मालिक है, वो हिकमत वाला है, उसकी तारीफ करें, यानी हमें चाहिए कि हम ऐसे सच्चे और हिकमत वाले रब की तारीफ करें। करे पान करीम जोड़ूं जोड़ जहां जे, वही करीम है, उसने खुद ही जहां को बनाया, यानी अल्लाह ताला ने अपने करम से इस जहां को तख्लीक किया और वही इस जहां की हर चीज़ का मालिक है। प्यारे बच्चों, शाह साहब ने इस नज़म में अल्लाह ताला की बड़ाई, उसकी ज़ातो सिफ़ात का ज़िक्र किया है। जब कुछ ना था तो खुदा था और जब कुछ ना होगा तो खुदा होगा, यानी अल्लाह ताला शुरू से है और आखिर तक रहेगा, वो सब जानने वाला इस जहां का मालिक है, वो बेमिसाल कुदरत रखता है और वो वहदहु ला शरीक है, हर चीज़ पर कादिर है, सबको रिस्क देता है, रहम करता है, और ऐसे सच्चे मालिक का हमें चाहिए कि शुक्र अदा करें, उसकी हम्द कहें जिसने ये जहां बनाया और वो हम पर कर्म करने वाला है। दुखियन लफ्ज़न जे माना, मुश्किल अल्फाज के मायने। वडाई, वडाई का मतलब है अजमत, धनी मालिक, अलीम जानने वाला, इल्म रखने वाला, आला सबसे बड़ा, आलम जहां, राज़िक रिस्क देने वाला, कादिर कुदरत रखने वाला, वाहिद अकेला बेमिसाल, रहीम रहम करने वाला, करीम करम करने वाला, हकीम हिकमत वाला, सारा तारीफ। वर्कशीट, हेठियन सवालन जा जवाब दियो, मंदरजा ज़ैल सवालात के जवाब दें। शाह साहब हिन बैत में अल्लाह ताला जो केड़ियों सिफतों बयान कियो आहिन, शाह साहब ने इस नज़म में अल्लाह ताला की कौन सी सिफात बयान की हैं? अल्लाह ताला के शाह साहब बयान केड़न नालन सा सड़ियो आहे? अल्लाह ताला को शाह साहब ने दूसरे किन नामों से पुकारा है? हिन जहां के किनन जोड़े हुआ है? इस जहां को किसने तख्लीक किया? बच्चों, आपको वर्कशीट में मौजूद तमाम सवालों के जवाब एक शीट पर लिखने हैं। इससे पहले नज़म को बार बार सुने, उसका तर्जुमा सुने और उसके बाद फिर इन सवालों के जवाबात तहरीर करें। हेठियन लफ्ज़न जे माना लिखो आई जुमला ठायो, अंदाजा ज़ेल अल्फाज के मायने लिखें और जुमले बनाएं। लफ्ज़ और माने आपके सामने मौजूद हैं, जुमले अल्फाज को आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। धनी मालिक, राज़िक रिस्क देने वाला, रहीम रहम
करने वाला। हाने होमवर्क यानी घर जो कम। बारो तो आ के हम होमवर्क हिन तरतीब सा करना है। आपको होमवर्क इस तरतीब से करना है। नंबर वन, नज़म खुशखत लिखो। सबसे पहले आप शीट पर, स्केप शीट पर नज़म को खुशखत लिखेंगे। देन हिक शीट पे मुश्किल लफ्ज़न जे माना लिखो। इसके बाद मुश्किल अल्फाज के मायने जो स्लाइड में दिए गए हैं लिखेंगे। वर्कशीट में डिनल सवालन जा जवाब दियो। वर्कशीट में दिए हुए सवालात के जवाबात लिखेंगे। वर्कशीट में डिनल जुमला ठायो और वर्कशीट में मौजूद अल्फाज के जुमले बनाएंगे। आपने अपना होमवर्क फुल स्क्रिप शीट पर करना है। इसके बाद शीट पे अपना नाम और क्लास लिखकर हर मंगल के दिन सुबह 9 से लेकर 11 के दरमियान स्कूल ऑफिस में से आप जमा करवा सकते हैं। प्यारा बारो लेक्चर मुकम्मल थियो। आप अपने घरों में महफूज रहें, अपना ख्याल रखें और अपना दिया हुआ काम बाकायदगी से करते रहें। शुक्रिया।